आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सलमान खान का ये गाना अब बीजेपी के लिए बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी कुछ करती है तो उसे रामलीला कहते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई दूसरी पार्टी कुछ करती है तो उसे कैरेक्टर ढीला बता दिया जाता है। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो जहां हिमाचल में कांग्रेस और यूपी में सपा को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का झटका लगा है, ठीक उसी तरह कर्नाटक में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक के नतीजे घोषित कर दिए गए। राज्य में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते हैं। पार्टी की तरफ से अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के एक नारायण भाड़ागे और जेडीएस के एक कुपेंद्र रेड्डी को जीत मिली है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग भी की गई। कर्नाटक में बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने पार्टी के खिलाफ वोट किया। वहीं शिवराम हब्बार ने वोटिंग से परहेज रखा। चुनाव में बीजेपी को 47 वोट मिली, वहीं कांग्रेस को 139 और जेडीएस को 36 वोट मिले। कर्नाटक में निर्दलीय विधायक जनार्दन रेड्डी, लता मल्लिका अर्जुन, पुट्टू स्वामी गौड़ा और दर्शन पुट्टू नया ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका मतदान से पहले ही जताई जा रही थी। वहीं बीजेपी विधायक की क्रॉस वोटिंग की जो जानकारी है वो भाजपा के चीफ व्हिप डोडन गोड़ा जी पाटिल ने दी। डोडन गोड़ा ने ये भी कहा कि सोमशेखर पर कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात तो ये है कि जहां एक तरफ बीजेपी को हिमाचल और यूपी में क्रॉस वोटिंग से फायदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान भी झेलना पड़ा है।